क्लास या बी क्लास के कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही चेंज रहेगी, और सभी पॉइंट वही रहते हैं हर डिवीजन के। तो 17 जोनों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, सिर्फ पॉइंटमैन कर्मचारियों के लिए ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 40% विभागीय परीक्षाओं से भरे जाते हैं और 60% आरआरबी द्वारा, 60% आरआरबी द्वारा भरे जाते हैं, 40% विभाग से भरे जाते हैं, 60% आरआरबी द्वारा चयनित किए जाते हैं। यदि आप पॉइंटमैन ग्रुप डी से लेवल 6 में विभागीय परीक्षा देकर आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, लेकिन आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना पड़ेगा। ऐसा सोचिएगा कि एग्जाम 1 महीने बचा है, पढ़ लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि विभागीय परीक्षा में कंपटीशन बहुत हो गया है। एक डिवीजन में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 सीटें होते हैं, और आपको 200 से 300 के बीच में जो पॉइंटमैन होते हैं उनमें से क्वालिफाई करना होता है। आप सभी लोग पढ़े लिखे होंगे, अब सभी लोग क्या होते हैं, पढ़े लिखे आते हैं, और लोग चाहते हैं कि किसी तरह मेरा प्रमोशन हो जाए दूसरे विभाग में, कोशिश सबकी यही रहती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिए और इससे कुछ ज्ञान लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहता है? पहले नंबर का क्वेश्चन, एक यात्री ट्रेन को एक लाइन से दूसरी लाइन पर ले जाते समय शंटिंग की निगरानी द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? तो गार्ड या इस ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक यात्री ट्रेन को एक लाइन से दूसरी लाइन पर ले जाते समय शंटिंग की निगरानी द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो गार्ड या स्टेशन मास्टर, वो ऑन ड्यूटी में जो रहेगा उसके द्वारा किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, साधारण नियम में डॉट डॉट द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो ये किसके द्वारा संशोधित किया जाता है? तो रेलवे बोर्ड द्वारा संशोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगलोर मंडल के वरिष्ठ मंडल द्वारा सुरक्षा अधिकारी श्रीमती कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही है, गोपीनाथ केवी हैं। तो ये आप बंगलोर डिवीजन का पेपर था, इसलिए बंगलोर डिवीजन में आपके जिस डिवीजन में रहेंगे उस डिवीजन से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एस सीनियर डीएसओ का मतलब ए क्लास या बी क्लास अधिकारी के भी 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, सहायक नियम डाटा द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ये किसके द्वारा? प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है, जो ऑथराइज होता है उसके द्वारा जारी किया जाता है सहायक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेशन यार्ड में शंटिंग के प्रयोजन के लिए रोलर वेयरिंग वाले वाहनों के लिए खड़ी ढाल है, तो कितना ढाल है? 400 में एक स्लीपर या स्लीपर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 6 नंबर का क्वेश्चन, डॉट डॉट के रूप में काम करते समय मार्कर लाइट का उपयोग अंतिम वाहन संकेत के रूप में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका खाली इंजन। कह रहा है डॉट डॉट खाली इंजन के रूप में काम करते समय मार्कर लाइट का उपयोग अंतिम वाहन इन संकेत के रूप में किया जाएगा। अगर लाइट इंजन लेकर जा रहे हैं तो पीछे वाला मार्कर क्या होता है? लाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन, साधारण और सहायक नियम के अध्याय संख्या 1 से संबंधित है, तो ये है प्रारंभिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, साधारण व सहायक नियम के अध्याय संख्या डॉट डॉट रेल कर्मचारियों पर सामान्य रूप से लागू होने वाले नियम से संबंधित है, तो अध्याय संख्या कौन सा? अध्याय संख्या 2 है,
रेल कर्मचारियों पर सामान्य रूप से लागू होने वाले नियम है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन जिसे रुकने के लिए बुक किया जा गया है स्टेशन पर डॉट डॉट लाइन पर रोका जाएगा, तो किस पर रोका जाएगा? तो ये प्लेटफार्म पर रोका जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन जिसे रुकने के लिए बुक किया गया है स्टेशन पर प्लेटफार्म लाइन पर रोका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, डॉट डॉट सिग्नल का आप आस्पेक्ट इंगित करता है कि सावधानी से आगे बढ़े और कोई भी बाधा आने पर रुकने के लिए तैयार रहे, तो ये किसके लिए होता है? तो ये होता है कॉलिंग ऑन सिग्नल के लिए। कॉलिंग ऑन सिग्नल का आप पहलू इंगित करता है कि सावधानी से आगे बढ़ो और कोई भी बाधा आने पर रुकने के लिए तैयार है, तो ये कॉलिंग ऑन सिग्नल के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, होम सिग्नल डॉट डॉट का संकेत देता है, तो होम सिग्नल सभी देता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। रिसेप्शन की लाइन, स्पीड, रुकना या भागना, ये तीनों संकेत देता है होम सिग्नल। रुकना भी होता है, सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ना भी होता है, और स्पीड में जाते हैं। तो येलो दिया, डबल येलो दिया, लाल सिग्नल दिया, लाल सिग्नल ही रहता है, ग्रीन दिया, तो ये सभी संकेत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन है, EMT के बाद मोटर ट्रॉली को जारी किया जाने वाला प्राधिकृत कौन सा प्राधिकार पत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 15T/1525। मोटर ट्रॉली के बाद मोटर ट्रॉली को जारी किए जाने वाला प्राधिकृत अधिकारी, तो T/1525 होता है, यह अधिकार पत्र मोटर ट्रॉली को दिया जाता है कि आप सेक्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन, कोहरे संकेतकों के जारी रहने और परीक्षण का विवरण स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टर के डाटा में होता है, तो किस भाग में होता है? तो ये होता है भाग 4 में होता है, भाग 4 में होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल लाइन पर TIC के दौरान डॉट डॉट प्रस्थान का प्राधिकार है, तो ये क्या है? TC 602 है, क्या है? TC 602 दिया, ऑप्शन नंबर सी सही है। 15 नंबर का क्वेश्चन, साधारण व सहायक नियम के अध्याय संख्या 16 में से संबंधित है, तो संपार और लेवल क्रॉसिंग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सोलह नंबर का क्वेश्चन, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डॉट डॉट आवश्यक है, तो पर्याप्त दूरी आवश्यक होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, पर्याप्त दूरी का अर्थ है डॉट डॉट करने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी सही है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, अस्थायी गति प्रतिबंध डॉट डॉट के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है, तो ये किया जाता है कॉशन ऑर्डर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन है, यात्रियों वाले वाहनों को डॉट डॉट के व्यक्तिगत निर्देशों के बिना शंटिंग उद्देश्य के लिए नहीं हटाया जाएगा, ऑप्शन नंबर स्टेशन मास्टर, क्या है? यात्रियों वाले वाहनों को स्टेशन मास्टर, जो स्टेशन मास्टर होता है, के व्यक्तिगत निर्देशों के बिना शंटिंग उद्देश्यों के लिए नहीं हटाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, डबल लाइन सेक्शन पर आगे बढ़ने का प्राधिकार होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। लास्ट स्टॉप सिग्नल क्या है? डबल लाइन सेक्शन पर आगे बढ़ने का प्राधिकार पत्र क्या होता है? लास्ट स्टॉप सिग्नल को आप करना होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, डॉट डॉट यह देखेगा कि स्टेशन पर जनता को सही नोटिस सही ढंग से प्रदर्शित किए गए हैं, तो कौन देखेगा? ये स्टेशन मास्टर देखता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 22 नंबर का क्वेश्चन, जब ट्रेन को स्टेशन पर अस्थायी रूप से खड़ी की जाती है तो कांटो या पॉइंट को कब्जे वाली लाइन के सामने सेट और डॉट डॉट किया जाता है,
क्या क्या किया जाएगा, क्लैंप किया जाएगा और पैड लॉक किया जाएगा, दोनों किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, वर्टिकल पॉइंटिंग को रोकने के लिए लोको और पहले सीवीसी कोच के बीच दिए गए घटना का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रतिबंधक, रिस्ट्रिक्टर, प्रतिबंधक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन, डबल लाइन पर टीआईसी के दौरान दो ट्रेनों के बीच बनाए रखने के समय अवधि डॉट डॉट कहलाता है, 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी सही है, डबल लाइन पर टीआईसी के दौरान दो ट्रेनों के बीच बनाए रखने की समय अवधि 30 मिनट होती है। 25 नंबर का क्वेश्चन, घने कोहरे के मौसम में मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल, इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिग्नल का कार्य निलंबित नहीं किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, निलंबित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घने कोहरे के मौसम में मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल या इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिग्नल को कार्य क्या निलंबित नहीं किया जाएगा, मतलब बंद नहीं किया जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रेन की अधिकतम गति क्या होगी यदि कोच का कोई एक ईयर स्प्रिंग फेल हो गया हो। तो 60 kmph होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 27 नंबर का क्वेश्चन, सावधानता आदेश मतलब कॉशन ऑर्डर रजिस्टर का रख रखाव स्टेशन मास्टर कार्यालय में किया जाएगा और इसे प्रत्येक डॉट डॉट को अग्रणित किया जाना चाहिए। तो ये कब किया जाता है, सोमवार को किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, रेल सेवक जो पीछे की ट्रेन की रक्षा करता है वो वापस बुलाने के लिए विशेष कोड क्या है। अगर हम उसको बुलाते हैं तो विशेष कोड क्या है, निरंतर मतलब लगातार हॉर्न बजाना होगा रेल सेवक को बुलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ एस्पेक्ट डॉट डॉट क्षेत्र में प्रस्थान प्राधिकार है, तो यह टोकन रहित, ऑप्शन नंबर ए सही है, टोकन लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन, सभी तैयार संकेत डॉट डॉट द्वारा दिखाए जाएंगे, तो क्या क्या दिखाए, जब पॉइंट पक्ष में हो, जब ईएलसी गेट बंद हो, स्किड और चेन हटाने के बाद, इसके बाद ही होगा, सभी तैयार संकेत मतलब रेडी है, अगर इतना काम सही हो गया तो वो रेडी है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेशन से गुजरते समय विशल कोड डॉट डॉट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही, निरंतर लगातार बजाते रहना है अगर स्टेशन से गुजरते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन, जब गाड़ी बिना अंतिम वाहन संकेत के गुजरते हैं, जब गाड़ी बिना अंतिम वाहन या संकेतक के गुजरते हैं तो स्टेशन मास्टर रियल ब्लॉक सेक्शन को क्लियर कर सकता है बशर्ते बीपीएसी का स्पष्ट संकेत, गार्ड ने सिग्नल का आदान प्रदान किया हो। दोनों सही है, दोनों बराबर होगा तो स्टेशन मास्टर क्या करेगा, ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही था। 32-33 नंबर का क्वेश्चन है, जब भी कोई नया सिग्नल चालू किया जाता है तो डॉट डॉट के लिए सावधानी पूर्वक आदेश दिया जाता है, 90 दिन तक दिया जाएगा। जब भी कोई नया सिग्नल चालू किया जाता है तो डॉट डॉट के लिए कॉशन ऑर्डर जारी किया जाएगा 90 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहा है रेल मंत्री कौन है? तो इस समय जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 2022 में इस समय जो चल रहे हैं तो अश्विनी वैष्णव ही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है टी आप्लिक 806 और लास्ट स्टॉप सिग्नल के डॉट डॉट का निष्पादित करने का प्राधिकार है। तो ऑप्शन नंबर डी है डबल लाइन पर ब्लॉक फॉरवर्ड, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, ट्रेन के बाद मोटर ट्रॉली को जारी किया जाने वाला प्राधिकार पत्र है। अगर ट्रेन पहले से गई उसके पीछे अगर गाड़ी चलाना है मोटर ट्रॉली को तो कौन सा अधिकार पत्र दिया जाएगा? तो टी आब्लिक 1525 दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 37 नंबर का क्वेश्चन है कह साइडिंग पर वाहनों या वैगनों को शंटिंग या स्थिर करना डॉट डॉट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, निषिद्ध होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 38 नंबर का क्वेश्चन सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल में डॉट डॉट होगा तो ए प्रकाशित होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन सभी उद्देश्यों के लिए टावर वैगनों को डॉट डॉट के रूप में माना जाता है, तो क्या माना जाएगा? खाली इंजन माना जाता है उसको कि लाइट इंजन जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिग्नल डॉट डॉट के साथ प्रदान किया जाता है, तो आईबी के साथ में, ऑप्शन नंबर ए सही है। 41 नंबर का क्वेश्चन है जी मार्कर, जो जी मार्कर डॉट डॉट सिग्नल में उपलब्ध होता है तो किसमें होता है? तो ये होता है गेट, गेट का जो सिग्नल होता है उस पे जी मार्कर लगा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 42 नंबर का क्वेश्चन स्टेशन चेतावनी पट गैर ब्लॉक स्टेशन के डॉट डॉट मीटर पीछे रखा जाएगा, 1200 मीटर पे रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 43 नंबर का क्वेश्चन दिन के समय सिर के ऊपर हाथ सिग्नल हिलाना और रेल सेवक द्वारा उन्हें जल्दी से अलग करना ट्रेनों की लोको पायलट को डाडा का संकेत देता है, तो ट्रेन का विभाजन करना होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 44 नंबर का क्वेश्चन क्षतिग्रस्त वाहन को मार्शल किया जाएगा, तो सबसे पीछे के वाहन के रूप में, ऑप्शन नंबर बी सही है। 45 नंबर का क्वेश्चन है ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए योग्यता प्रमाण पत्र पर डॉट डॉट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, डीओएम मैसूर डिवीजन का होता है। तो अगर ग्रुप डी के कर्मचारी के लिए योग्यता प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो डीओएम के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब होम सिग्नल खराब हो तो प्री वार्निंग मेमो नंबर डॉट डॉट पिछले स्टेशन मास्टर द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, T-3691, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का क्वेश्चन ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए योग्यता प्रमाण पत्र डॉट डॉट द्वारा जारी किया जाता है, तो डीओएम के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 48 नंबर का ओवरहेड उपकरण पर बिजली की आपूर्ति डॉट डॉट तक है, तो 25 KV, ऑप्शन नंबर बी सही है। 49 नंबर का क्वेश्चन स्टेशन पर डेटोनेटर सिग्नल की प्राप्ति और स्टॉक का विवरण स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टर में होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, भाग दो में होता है। 50 नंबर का क्वेश्चन BOBYN बोबियन वैगनों का उपयोग डाट डाट की लदान के लिए किया जाता है, तो गिट्टी के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 51 नंबर का क्वेश्चन है कलर लाइट सिग्नल के एक पहलू का दिखना और गायब होना डाट डाट कहा जाता है, तो ये फिकलिंग करता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का क्वेश्चन वियोजन संयोजन नोटिस की डाट डाट प्रतियां होनी चाहिए,
तो तीन प्रतियां होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब तिरपन नंबर का क्वेश्चन है, बिना ब्रेक वैगन के ट्रेन चलते समय डाटा संख्या रिपोर्ट भेजते समय और नियंत्रक को भी दिया जाता है। अंतिम वाहन का ऑप्शन नंबर सी सही है। 54 नंबर का क्वेश्चन, एलएचबी कोच में किस प्रकार की बोगी दी जाती है? तो फिट बोगी दी जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। एलएचबी कोच में किस प्रकार की बोगी दी जाती है? फिट बोगी को दी जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 55 नंबर का क्वेश्चन, घने या कोहरे के मौसम के दौरान डाट डाट से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रतिबंध जारी किया जाएगा। फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, घने या कोहरे के मौसम के दौरान फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रतिबंध जारी किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 56 नंबर का क्वेश्चन, एडवांस स्टार्टर डाटा को सुरक्षित करता है? तो ये करता है ब्लॉक सेक्शन को, ऑप्शन नंबर ए सही है। 57 नंबर का क्वेश्चन, एस ए बी डॉट डॉट के लिए प्रदान किया गया है, तो एस ए बी जो होता है ये ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच निश्चित गैप बनाए रखने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच निश्चित गैप बनाए रखने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 58 नंबर का क्वेश्चन, फॉग सिग्नल में को ट्रेन के स्टेशन से निकलने के कम से कम डाटा मिनट पहले पीछे भेजा जाए भेज दिया जाना चाहिए, तो 30 मिनट पहले भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 59 नंबर का क्वेश्चन है, सेंट सिग्नल डाटा को छोड़कर किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है? फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, ऑप्शन नंबर सी सही है। सेंट सिग्नल जो होता है फर्स्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, सुपर फास्ट ट्रेनों की निगरानी डाडर द्वारा की जाती है? तो रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की जाता है, ऑप्शन नंबर निगरानी की जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 61 नंबर का क्वेश्चन, डाट डाट के ग्रेडियंट पर वैगनों या वाहनों को हाथ सेंटिंग से निकलना सख्त वर्जित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 40 में एक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 62 नंबर का क्वेश्चन है, फॉग सिग्नलिंग के दौरान लाइन पर डेटोनेटर लगाने के बाद रेल कर्मचारी डेटोनेटर से मीटर की सुरक्षा दायरे से परे खड़ा होगा, मतलब पहले खड़ा होगा, तो 45 मीटर, ऑप्शन नंबर सी सही है। 63 नंबर का क्वेश्चन, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन का मुख्यालय डाडाट में स्थित होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, लखनऊ आरडीएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 नंबर का, ट्रेनों के संचालन से सीधे जुड़े रेल सेवक को ड्यूटी शुरू होने के 8 घंटा के भीतर किसी भी मादक पेय का सेवन नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। 65 नंबर का क्वेश्चन है, यदि यात्री गाड़ी ट्रेन लोको माध्यम खंड में अलग किया जाता है तो उसे वापस कितने मिनट में जोड़ दिया जाना चाहिए? तो 45 मिनट, ऑप्शन नंबर बी सही है। 66 नंबर को, हार्ट एक्सेल के साथ आने वाली ट्रेन डॉट डॉट लाइन पर प्राप्त की जाएगी, कहाँ की जाएगी? मेल लाइन पर, ऑप्शन नंबर बी सही है। 67 नंबर का क्वेश्चन, व्यस्त यार्ड कैबिन स्टेशन मास्टर को डाट डाट के आदान प्रदान से छूट दी जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑल राइट सिग्नल सब ठीक ठाक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आगमन संकेत का आदान प्रदान डाट डाट के बीच में होता है, गार्ड और स्टेशन मास्टर द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 69 नंबर का क्वेश्चन, सीआरएस का पूर्ण रूप क्या है?
फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये रेलवे सुरक्षा आयुक्त होता है, कमिश्नर ऑफ सेफ्टी, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, जब भी लोको पायलट सुस्त या रफ रनिंग के बारे में रिपोर्ट करता है तब गति प्रतिबंध 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये 10 KMPH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीएन का अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या पूछा है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बोगी कवर एयर ब्रेक, बोगी कवर एयर ब्रेक बीसीएन क्या है, बोगी कवर एयर ब्रेक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 नंबर का क्वेश्चन, कैच साइडिंग की लंबाई डॉट डॉट के बराबर होती है, तो ये सबसे लंबी मालगाड़ी की लंबाई के बराबर होगा कैच साइडिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। 73 नंबर का क्वेश्चन, यदि गश्ती व्यक्ति निर्धारित डॉट डॉट मिनट के भीतर नहीं आता है तो वह सावधानी कॉशन ऑर्डर जारी किया जाएगा, तो कितने मिनट अगर लेट रहता है तो ये 15 मिनट अगर वो लेट रहता है तो कॉशन ऑर्डर जारी किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 74 नंबर का क्वेश्चन, गेट कम डिस्टेंस सिग्नल का एस्पेक्ट होता है जब ELC गेट सड़क यातायात के लिए खुला होता है, तो लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 75 नंबर का क्वेश्चन है, दिन के समय हरी झंडी को लंबवत ऊपर नीचे लहराया लहराना डॉट डॉट हाथ के संकेत को दर्शाता है, तो सावधानी के साथ आगे बढ़ने बढ़े। ऑप्शन नंबर सी सही है। 76 नंबर का क्वेश्चन, तेल टैंक की शंटिंग गति कितनी होती है, 5 KMPH। 75 नंबर का क्वेश्चन है, हर डिवीजन का अलग अलग रूप होता है, उसको आप लोग देख सकते हैं। SWR में लिखा रहता है, SWR में रहता है, उसी हिसाब से शंटिंग होता है, तेल टैंक की शंटिंग की गति। मैक्सिमम जो होता है वो 8-10 KMPH होता है, शंटिंग की अधिकतम गति तेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77 नंबर का क्वेश्चन है, डॉट डॉट ट्रेन परिचालन सुविधा के अनुसार या तो कोचिंग यार्ड या माल यार्ड में प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मालगाड़ी। 78 नंबर का क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम रेलवे में प्रयुक्त डॉट डॉट कार्य प्रणाली है, तो ये सभी है, क्या क्या है, पूर्ण ब्लॉक पद्धति है, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है, स्वचालित ब्लॉक सिस्टम है, केवल एक गाड़ी पद्धति है। तो सभी डिवीजन में ही अलग अलग रूल होते हैं, उसको भी देख सकते हैं हर डिवीजन में। और दक्षिण पश्चिम रेलवे में आपका ये सभी है, पूर्ण ब्लॉक पद्धति है, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है, स्वचालित ब्लॉक सिस्टम है, केवल एक गाड़ी पद्धति है। तो हर डिवीजन में उसको देखना पड़ता है क्या क्या वहां पर लागू है, उसको SWR में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 79 नंबर का क्वेश्चन, मंडल के भीतर ए श्रेणी के ODC को चलाने के लिए अनुमति आवश्यक है, तो क्या DRM की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, DRM की अनुमति लेनी पड़ती है ए क्लास ODC को चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 नंबर, रोक पट या डॉट डॉट यार्ड में होता है, तो ये टर्मिनल पर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, रोक पट स्टॉप बोर्ड आर द अवेलेबल इन यार्ड, टर्मिनल पे होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 81 नंबर के, ज्वलनशील तरल पदार्थ से युक्त आग डॉट डॉट के अंतर्गत आता है, तो किस श्रेणी के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी सही है, बी श्रेणी के अंतर्गत आता है। 82 नंबर का क्वेश्चन है, सिग्नल लाइन का लाइन पर संचार के पूर्ण रुकावट के दौरान संचार पुनः स्थापित करने के लिए जारी किया गया ATP है, ऑप्शन नंबर बी सही है, TV 602 दिया जाता है, यह अधिकार पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 83 नंबर का, कैश स्टार्टिंग पॉइंट डॉट डॉट पॉइंट होना जहां कभी भी प्रदान किया गया हो, कैश साइडिंग पॉइंट डॉट डॉट पॉइंट होगा जहां कभी, सॉरी, कहीं भी प्रदान किया गया हो। फर्स्ट फेसिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए सही है। 84 नंबर का, लॉरी को डॉट डॉट के रूप में माना जाएगा, तो ट्रॉली के रूप में माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है।
85 नंबर क्यों सेंटिंग ऑर्डर प्रमाण पत्र क्या होता है? T-806 होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 86 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लॉक सेक्शन पर स्थित सिग्नलों द्वारा सुरक्षित की जाने वाली लाइन डाटा कहलाती है, रनिंग लाइन कहला जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 87 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट व्हीकल इंडिकेशन के एवज में डाटा को फिक्स किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही, लाल झंडी। 88 नंबर का क्वेश्चन है, बिना लाइन क्लियर के आगे बढ़ने का प्राधिकार पत्र होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 1425 होना, T-1425 होना चाहिए शायद, इसको आप लोग देख लीजिए, बाद में देख के बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर का, सेंडिंग के दौरान जहां कहीं भी डाटा प्रदान किया जाता है उसका पालन किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही, डी सही है। पॉइंट इंडिकेशन, टैप इंडिकेटर और सेंडिंग की अनुमति, तीनों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉक्स सिग्नलमैन का आश्वासन रजिस्टर में प्राप्त किया जाना चाहिए, तो स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टर में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, इंजन लीडिंग कट ऑफ एंगल कॉक और ब्रेक वैन का ट्रेलिंग कट ऑफ एंगल कॉक क्रमशः स्थित में होना चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। 92 नंबर का क्वेश्चन, काम करने की अनुमति डाटा पत्र में होना चाहिए, किस में रहता है? तो ETR में रहता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ETR 3 में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन, एक विशेष श्रेणी के स्टेशन की SWR जहां यात्री यातायात का निपटारा किया जाता है डाटा का अनुमोदित प्राप्त होता है, तो ये CRS का होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 94 नंबर के क्वेश्चन, केवल एक लूप लाइन बिना साइडिंग वाले स्टेशन पर एक सामग्री ट्रेन को डाट के आदेशों के अलावा नहीं रखा जा सकता, तो DRM के आदेश के अलावा नहीं रखा जा सकता, ऑप्शन नंबर डी सही है। 94 नंबर का, गार्ड को ट्रेन प्रस्थान से डाटा मिनट पहले रिपोर्ट करना चाहिए, 30 मिनट पहले रिपोर्ट करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। 96 नंबर का क्वेश्चन, ए मार्कर प्लेट डाटा सिग्नल में उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर स्वचालित में उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 97 नंबर का क्वेश्चन, T-806 प्लस सेंडिंग कुंजी को निष्पादित करने का अधिकार किसको, ऑप्शन नंबर ए सही है, सिग्नल लाइन पर ब्लॉक सेक्शन पर सेंडिंग, ऑप्शन नंबर ए सही है। 98 नंबर का क्वेश्चन है, दिन के समय यदि गश्ती व्यक्ति निर्धारित 15 मिनट के भीतर नहीं आता है तो किलोमीटर प्रति घंटे की सावधानी पूर्वक आदेश या ऑर्डर कॉशन ऑर्डर जारी किया जाएगा, 40 KMPH दिन में, दिन के समय अगर 15 मिनट लेट होता हो 40 की स्पीड से वो जाना पड़ेगा। 98 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही था। 99 नंबर क्वेश्चन है, ELV संकेत को देखते हुए डॉट डॉट का इस्तेमाल किया जाता है, लाल झंडी, ऑप्शन नंबर ए सही है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेशन संचालन नियम के परिशिष्ट सी में का उल्लेख किया गया है, तो विरोधी टक्कर डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए सही है। नाम नोटिस बोर्ड में उपयोग की जाने वाली भाषा का क्रम क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये राजभाषा से क्वेश्चन है, राजभाषा से क्वेश्चन दिया गया है। रेलवे बोर्ड में हिंदी, 10 क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड में हिंदी खंड के किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो 1960 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही है, सॉरी बी सही है। 3 नंबर, देवनागरी लिपि में हिंदी संविधान के अनुच्छेद डॉट डॉट के अनुसार
अनुसार संघ की राजभाषा है 343, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343 में है। 4 नंबर का क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 17 में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 5 नंबर को, अनुच्छेद 210 संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 4 के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 6 नंबर का क्वेश्चन, दादर और नगर हवेली किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आसी ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 7 नंबर का क्वेश्चन, नाम वैज भाषा में लिखा जाएगा, अंग्रेजी भाषा में लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। 8 नंबर का क्वेश्चन, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएम होता है, ऑप्शन नंबर सी डी सही है। 9 नंबर का क्वेश्चन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? प्रज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 10 नंबर का क्वेश्चन, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 3 महीने। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू ऑल आप।